हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग। होप यू डूइंग वेल एंड स्टेइंग सेफ। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो गाइस, आपका स्वागत है फिर से मेरे नए व्लॉग में। और गाइस, ये व्लॉग बहुत मतलब मन नहीं कर रहा बनाने का, लेकिन फिर भी बना रही हूँ। और गाइस, अभी हम लोग आए हैं चंडीगढ़। चंडीगढ़ आए हैं हम अयान और तूबा का बर्थडे, जैसे कि आप लोगों को पता है। तो अयान और तूबा, इसलिए हम अबे तूबा का नहीं, तूबा का गाइस ये बंदा, इसको जानते हो ना, ये मेरा बेबी है। बीच में लॉस्ट हो गया था, वापस आया है। देखो, मैं याद नहीं आई, बदतमीज ऐसा बेबी है गाइस ये मेरा, इसको मेरी याद ही नहीं आई। तो गाइस, अभी हम आए हैं चंडीगढ़ और हमारे अलग अलग रूम है वैसे तो, लेकिन हम सब एक ही रूम में आ गए हैं अभी ब्रेकफास्ट के लिए। और अभी हम जाएंगे शॉपिंग, और अभी हम आएंगे शॉपिंग, अभी हम जाएंगे शॉपिंग करने। अभी देखो निशी क्या कर रही है, निभाल लिया बड़ी होने का फर्ज। और यहाँ सबसे भैया, हाँ ये मेरे हैं, ये मेरे हैं, दही अचार, दही और अचार। और गाइस, अरे सब, हाँ। और गाइस, यहाँ निशी डाल दी है सबके लिए चाय, और ये चाय सर्व करिए। ओ ऑमलेट लिया है, ऑमलेट का है। अच्छा ठीक है, यार ये तो खाली प्लेट दे दिया निशी, वो पता क्या सोचेगा। और यहाँ हम सब खा रहे हैं आलू प्याज परांठा, ये मैंने मंगाया था अपनी पसंद का। नमक नहीं है, ऐसा है क्या? हो सकता है। हाय करिश्मा, हाय के, देखा तेरे पास कहाँ से आई फोटो? मेरे पास ही नहीं है, तेरे पास कहाँ से आई? और गाइस, मम्मी जी जो फोन पे है, और ये हमारा बहुत प्यार है। तो गाइस, हम गए थे मॉल, और वो आपको प्रेरणा के व्लॉग में और शायद कशिश के व्लॉग में देखने को मिलेगा। मैंने सेम क्लिप नहीं ली थी। हम मॉल गए थे, शॉपिंग करने गए थे। और अरे, आपकी सॉक्स लाना भूल गई। और गाइज, हाँ मैं गई थी शॉपिंग करने प्लस, लेकिन फिर इन सबने बोला कि यही ड्रेस अच्छी है, तो मैं शॉपिंग तो हुई नहीं। लेकिन हाँ, मुझे सलोन जाना, तो मैं गीतांजलि सलोन में अपनी पूरी वैक्स करा के आई हूँ, फुल बॉडी। लेकिन गाइज, बहुत महंगा बिल बन गया सच्ची में। तो चलो मिलते हैं अब आपसे, तैयार हो गए। पहले मैं नहाने जा रही हूँ, आपको पता है मैं अपना मेकअप खुद ही करती हूँ, तो पहले मैं नहा लेती हूँ, उसके बाद मेकअप स्टार्ट कर दूंगी, फिर हेयर स्टाइल का देखूंगी। इस बार कर्ल्स कराऊंगी, तो कर्ल्स भी देखूंगी, करूँगी खुद ही। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो फाइनली गाइज, मैं रेडी हो गई हूँ। और गाइज, हमारे रूम का तो चेकआउट हो गया था, तो मुझे आना पड़ा हमेशा की तरह। हाँ, हमेशा की तरह मुझे भगाना पड़ा, मुझे भगा दिया। कहते जाओ भैया, आपका टाइम हो गया, वरना फिर एक्स्ट्रा लगेगा। मैं एक्स्ट्रा काहे को दूंगी? मैंने कहा निशी का कमरा है, तो चलो वहाँ चलते हैं, ठीक है। और गाइज, मैं हो गई हूँ रेडी। ये है मेरी ड्रेस जो नितेश की पसंद की है, बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। मतलब मुझे अच्छी नहीं लग रही, इन सब ने सब अच्छी बताई, तो मुझे भी अच्छी लगने लग गई। बट नितेश की पसंद की ड्रेस है सच्ची में गाइस। और मैं आपको दिखाती हूँ, अभी मैं और गुन्नू तो रेडी हो गए, मेरा भी मेकअप हो गया, गुन्नू का भी मेकअप हो गया, और बस निशी का हो रहा है। और पम्मी जी जो नए लत्ते खरीद के लाएगा, यहाँ भी ना माने, कहता यार एक शर्ट खरीद लेता हूँ, तो शर्ट खरीद के लाए। हाँ गाइस, ये शर्ट, ये शर्ट लेके आए, इधर देखो मुंह पर, मुंह पर करो, ये शर्ट लेके आया मम्मी जी जो। और यहाँ इसका मेकअप हो ही रहा है अभी तक, ऑलमोस्ट हो गया है, आई मेकअप तो इसका डन हो चुका है गाइस। कुतिया जब से करवाने देने की, मेरी छाती में दोनों चढ़ी हुई, अपना तैयार हो गया ऑलमोस्ट, बहुत अच्छा मेकअप बना दे रहा। यहाँ नितेश पहन रहे अपने कपड़े, और गुन्नू होके खड़ी होके तैयार होके खड़ी है। क्या हो गया मुझे, ये वीडियो बनवाने को खड़ी की, कोई इसकी वीडियो बना दे, कोई नहीं बना देंगे, सब तैयार हो रहे हैं अभी। और गाइस, नितेश तो इस बार तो नितेश तो अब थमता ही नहीं है गाइस। नए जूते, बहन कितना फॉर्मल पहने, फॉर्मल ही पहनता था पिछली बार, फॉर्मल ही पहन के आया था। नहीं यार, नहीं ये दिलाएगी फिर मैं क्यों दिलाऊंगी। और गाइस, ये है मेरी ड्रेस जो इन सबको बहुत अच्छी लग रही थी, पहले मुझे अच्छी नहीं लग रही थी। ये मेरी वॉच जो मुझे अभी मिली थी नितेश ठीक करा के लाया, फिर नितेश ने खुद भी ठीक करी, ठीक है गाइस। ये है मेरे ब्रेसलेट्स जो बहुत सुंदर है, न्यू है। और गाइस, ये हूँ मैं, ठीक है, ये मैं हूँ गाइस। और ये मेरी ड्रेस है, बहुत सुंदर है, साइड ऐसे कट के लिए नितेश ने दिलाई है मुझे ये ड्रेस, नितेश की पसंद की है ड्रेस, देख लो इसकी पसंद।
कितनी खिचोरी पसंद है इसकी। और गाइस यहाँ हो रहा है मेकअप, फिर लास्ट में बस करिश्मा रह जाएगी। करिश्मा तो अपना 5 मिनट में मेकअप कर लेती हूँ ना करिश्मा। तो गाइस अब हम सब हो गए हैं रेडी निकलने को, करिश्मा भी हो गई है और यहाँ लिखा जा रहा है मेरे गिफ्ट पे नाम, क्योंकि मैं नाम लिखना भूल गई थी। और अभी हम निकल रहे हैं बस चले। वो इतने सारे गिफ्ट्स हैंडल भी नहीं हो रहे सबसे। दिखा दिखाना नितेश, ये देखो तू ही पी लिया ले आएगी मेरा है अच्छा हाँ ठीक है। यहाँ इतनी प्यारी एंट्रेंस लगाई हुई है अयान तूबा और जैद के लिए। हेलो हाय बढ़िया तुसी बताओ किवे हो? बहुत वधिया तुहाडे सामने अच्छा बहुत असी असी भी चंगे आ। बहुत लेट पहुंचे ऐसे ही तैयार होने में टाइम लग गया अब हम लेट नहीं पहुंचेंगे। थैंक यू गाइस मैं फेवरेट गाना चल गया माड़ी जी सामने इस बार लोकेशन बहुत प्यारी है। तो गाइस ये देखो बेबीज भी आ गए हैं। अयान की तबीयत ज्यादा खराब थी लेकिन नॉर्मल रिपोर्ट्स आई हैं तो अभी ठीक है बच्चे। तो गाइस ये है स्वैंकी कॉटोर, स्वैंकी कॉटोर दीदी मैं तो यही बोलूंगी। हेलो हेलो जी थैंक यू। आवाज भी बुलंद है। और गाइस अभी 2-3 दिन पहले हम साथ में लाइव थे, 2 दिन पहले ही तो ये वही वाली दीदी है जो साथ में लाइव थी। बाकी अब इंस्टा पे आपको अपडेट मिल जाएगी ये कौन है। हाय हेलो 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 हाय हेलो हेलो हाँ आपको सोनिया सेठी हाय सोनिया ओ हाय कैसी हो? मैं ठीक हूँ। ये इससे मिल ये मेरी भाभी। हेलो हेलो कैसे हो आप? बढ़िया आप कैसे हो? फोन ऑन करके बहुत अच्छा। हाँ जाते हैं। हाय गाइस हेलो 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 हाँ बहुत सुंदर दिख रहे हैं। इसने वो कर दिया ना ब्राइट बहुत ज्यादा कर दिया ना बहुत ज्यादा पीछे हो पीछे गाइस अभी हम जा रहे हैं टाइम बहुत लेट हो गया है और मिलते हैं आपसे आगे जाके। तो फाइनली गाइस हमने चेंज कर लिया है और मैंने पहना बहुत प्यारा लेवेंडर सूट और अभी हम निकल गए हैं घर के लिए। और अभी हम पहले रात को 1:30 बज रहे हैं रात के और अभी हम निकले हैं। और गाइस सबसे पहले हम रुकेंगे कुछ खाएंगे, मतलब हमने वहाँ पे सिर्फ स्नैक्स और बेवरेजेस खाए थे, खाना नहीं खाया था क्योंकि हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे थे तो इसी वजह से हम निकल गए। और हमने होटल का चेकआउट करना था क्योंकि हमने होटल लिया था रात के 12 बजे तक के लिए क्योंकि हमें चेंज करना था सबको होटल में ना, तो फिर हमारा होटल का टाइम हो रहा था, नहीं तो वो भैया एक्स्ट्रा भी लगा देते तो बट वही था एक्स्ट्रा भी लगाते थे लेकिन हमें लेट भी हो रहा था। और कल मुझे शादी में जाना है बहुत तो हमें रेस्ट भी ज़रूरी है स्पेशली नितेश को, तो इसीलिए फिर हमें टाइमली निकल गए हम। फिर भी हम बहुत ज़्यादा लेट हो गए, हमने सोचा था कि हम 12 बजे तक निकल जाएंगे है ना नितेश, हमने सोचा था हम 12 बजे तक निकल जाएंगे लेकिन फिर भी हम काफ़ी लेट हो गए हैं। गाइस दो फोन के फायदे हैं, एक फोन में टॉर्च जल रही है और दूसरे फोन में व्लॉग बन रहा है। तो चलो गाइस मिलते हैं आपसे आगे जाके, अभी हम रुकेंगे खाना खाएंगे फिर निकलेंगे फिर सीधा घर पहुंच के मिलेंगे आपसे। और गाइस मेरा मेकअप एज इट इज अभी ऐसे का ऐसा है एंड मेकअप डन बाय मी ओनली, मेकअप डन बाय मिट्टू वर्ल्ड। मैं आपको पता है हमेशा की तरह मैं अपने मेकअप्स खुद करती हूँ गाइस,
और बहुत प्यारा मेकअप है गाइस, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। और सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली बात नहीं है, ये चीज तो आपको भी दिखी रही होगी कि अभी तक मेरा मेकअप टस से मस नहीं हुआ, ऐसा का ऐसा निदेश खुद बता देंगे है ना, ऐसे का ऐसा मेकअप है। तो चलो मिलते हैं अभी आपसे आगे जाके और फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। तो गाइस अभी हम रुके हैं एक होटल पे उड़ान, और गाइस हाँ, और गाइस उड़ान होटल पे रुके हम खाना खाने के लिए। और गाइस जो शूट वाले मेकअप होते हैं यार, इससे बहुत पिंपल्स हो जाते हैं, क्योंकि ये हैवी वेस्ट लगाते हैं ना, सुबह से शाम तक वही मेकअप चलता है। तो अभी हम खाना खाने को रुके, आधे बंदे हमारे हैं नहीं, आधे गायब है। बुरा लग रहा पड़ा हुआ, कैसे मुंह छुपाया इसने, कितने बुरे बुरे मुंह का आदमी है। खाने का भी जीना तो है। तो गाइस हम सब ने खा लिया है खाना, ऑलमोस्ट चल रहा है, निशी भी खाना खा लिया है और के भी खा लिया, ऑलमोस्ट सभी खा रहे हैं, मैंने खा लिया। तो गाइस जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम रात को चंडीगढ़ से इसलिए निकला थे क्योंकि हमें जाना था आज शादी में, लेकिन अब हमें नहीं, अब सिर्फ ये जा रहे हैं शादी में क्योंकि मेरी हो गई है तबीयत खराब, बारिश भी हो गई है और नहीं, पर मेरी गाइस तबीयत खराब हो गई है, मेरे को कोल्ड हो गया, कफ हो गया और मेरी पूरी बॉडी पेन हो रही है गाइस, तो ना मैं बहुत थक लू हूँ, बहुत टायर्ड हूँ, मेरा मन नहीं कर रहा, मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही जाने की। और तो ये अकेले जा रहे हैं बारात में और बाहर बारिश भी हो रही है, तो फिर इसीलिए बाय। कब तक आओगे आप? सच्ची में सुबह हो गई क्या गाइस? आज तो मुझे पूरी रात अकेले रहना पड़ेगा। जा रहे हो क्या सच्ची? अभी रुक के जा रहे हैं। तो गाइस जैसे आपने तो देख ही लिया, नितेश तो चले गए हैं शादी में और अभी मैं अकेली हूँ, अब मुझे पूरी रात मतलब अकेला सोना पड़ेगा रात को, जो मैं कभी नहीं सो सकती अपनी ज़िंदगी में, कभी भी नहीं सो सकती क्योंकि मेरी बहुत फटती गाइस, मुझे बहुत डर लगता है। और अपना घर हो चाहे मतलब वहाँ भी वीरेंद्र नगर भी शायद आज तक मैं नहीं सोई, वहाँ पर खैर सोने का मतलब ही नहीं बनता, लेकिन मुझे मैं रात को वॉशरूम भी नहीं जा सकती थी उठ के ना, मुझे बहुत डर लगता है। और तो दीपू को बोलूँगी, दीपू को सुलाऊँगी अपने पास मेरे पास सोने के लिए। और गाइस सच्चे में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है, बोला भी नहीं जा रहा, नाक पूरी बद पड़ी है, सांस भी ऐसे मुँह खोलना पड़ रहा है मुझे ना, ऐसे सो रही हूँ, ऐसे ही बात कर रही हूँ, ऐसे ही रह रही हूँ, पता नहीं कब ठीक होगा। और बॉडी इतना पेन कर रही है ना कि मैं क्या बताऊँ आपको। तो चलो अभी आज तो नहीं पेश नहीं है और आएंगे सुबह, आएंगे अभी शायद डोली के साथ, जब आएगी 5-7 बजे के करीब ही आएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, होपफुली आपको पसंद आया होगा, लाइक कॉमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। और मुझे पिंपल्स हो गए हैं, एक ही रहा और फोरहेड पे हो गए हैं गाइस। ये मुझे पता है पिंपल्स कब होते हैं, जब मैं शूट पे जाती हूँ ना, जब मेरी सॉन्ग की शूटिंग होती है तो वो वहाँ जो मेकअप होता है ना उससे मेरे को ये होते हैं, क्योंकि वहाँ पूरा बेस डर्मा से बनता है, डर्मा बहुत थिक होती है और बहुत हैवी होता है, वो भी डर्मा से इसलिए करते हैं ताकि फिर मतलब बेस हिले ना, है ना, क्योंकि सुबह से लेकर रात तक फिर वही मेकअप चलता है, बस उसी पर टचअप होता रहता है, तो बस इस वजह से वो भी ऐसे ही मेकअप करते हैं ना, उसी से होता है मेकअप इनका। तो क्या करूँ, मजबूरी है, काम है, करना पड़ेगा, लेकिन अपनी स्किन केयर बहुत करती हूँ मैं भाई, अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखती हूँ मैं। तो चलो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, होपफुली आपको पसंद आएगा, लाइक कॉमेंट शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बाय। सॉरी हाँ गाइज, मैं आपको बता रही थी कि एक मिनट में पूरी बात बताना भूल गई आपको, मैं कहीं और चली गई थी पिंपल्स पर, कि अभी रितेश गए हैं अब शादी में, है ना, यहाँ भी जाना था आज लेकिन यहाँ मैं नहीं जा पाई, लेकिन कल मैं जाऊँगी शॉपिंग के लिए क्योंकि मुझे परसों जाना हीरा दीदी की शादी में, फिर 28 की उनकी शादी है, 29 को मेरा शूट है, फिर 1 तारीख को उनकी रिसेप्शन में जाना है, हाँ फिर 1 तारीख को उनकी रिसेप्शन में जाना है, फिर 2 को मेरा शूट है वापस, तो फिर 6 को भी है मेरा शूट, बहुत बिजी हूँ गाइस मैं सच्चे में। तो मैं इसलिए मैंने मेन मतलब वापस इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं जाऊँगी कल हिना दीदी की शादी की शॉपिंग करने की, रिसेप्शन की, दोनों की ड्रेस इकट्ठी ले आऊँगी, तो मैं आपको दिखाऊँगी और कल का व्लॉग भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ये भी इंटरेस्टिंग है, तो फिलहाल ये वाला व्लॉग आप इन्जॉय करो, बाय।